सारे झंडे को लगाएंगे। वेल गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल आदित्य कुमार में। मैं आदित्य बघेल लेके आ चुका हूँ फंटास्टिक ब्लॉग। जैसा कि इस ब्लॉग में होने वाला स्टार्ट हो चुकी है नवरात्रि, तो नवरात्रि में मंदिर की सफाई होगी, मंदिर पे चुनरी और झंडा वगैरह लगाएगा, तो ब्लॉग में हमारा ये ब्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसा कि मंदिर हो रहा है पीछे से गंदा, तो इसे कपड़े से साफ करेंगे और ब्लॉग को आप देखते रहिए एंड टिल द एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं सफाई वगैरह। तो गाइस मैं आ चुका हूँ इस पर, अब मैं करता हूँ सफाई स्टार्ट। तो देखिए आप एक टाइम लेफ्ट को, इसकी पूरी सफाई की टाइम लेफ्ट देखिए। जैसा कि आपने अभी ब्लॉग में देखा, मैंने उसे करने की कोशिश की मगर मेरी हाइट ज़्यादा नहीं है इसलिए मैं ऊपर तक नहीं पहुंच पाया। तो अब ऊपर तक पहुंचने के लिए मैं मंगाऊंगा एक लकड़ी को। ओ भाई लकड़ी लेके आइए ज़रा। लकड़ी मंगा ली है मैंने और कपड़े को उसमें बांध दूंगा, फिर उसे ऊपर से करूंगा या फिर कोई और जुगाड़ लगाऊंगा ऊपर तक करने के लिए। तो ब्लॉग में बने रहिए। जैसा कि मैंने बताया था, अभी इसमें मैं कपड़ा बांध रहा हूँ क्योंकि हाइट तो मेरी ज़्यादा है नहीं यार, 5 फुट 4 इंच के करीब है। तो इसमें और ये मंदिर है करीब 15-20 फुट का, तो मैं कहाँ से पहुँच जाऊँगा। तो अब इसमें बांधता हूँ टाइट तरीके से कपड़ा और ऊपर की सफाई करते हैं। ऊपर लगाया जाएगा झंडा। सेन नसेनी लगा लिया, सीढ़ी होती है, अब उसके लिए सर मैं चाहूँ। वगैरह इस पे लगाएंगे, जैसे कि ऊपर झंडा दिख रहा है उसकी जगह इस झंडे को लगाएंगे, जय माता दी। ये देख ऊपर। हाँ तो भाइयों, वहाँ से सफाई वफाई करने के बाद, बाहर की अंदर की सब जगह की ऊपर की नीचे की झंडा वंडा लगाने के बाद वहाँ से आया घर, घर आके नहाया। नहाने के बाद अब दोबारा जा रहा हूँ मंदिर पे क्योंकि अब पूजा वूजा करेंगे। तो चलिए चलते हैं मंदिर पे।
हाँ तो घर से आ चुका हूँ मंदिर पे। जैसा कि आप देखेंगे ये पीछे हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई है, पीछे हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई है, अंदर देख रहे होंगे आप माता रानी वगैरह। तो यहीं पे पूजा पूजा करेंगे, तो ब्लॉग में बने रहिए। आर्थिक हनुमान लला की दुष्ट रनन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरवर कापे रोग दोष जके निकट न जापे। देवी रा रघुनाथ पठाए लंका जा ऋषिया सुदलाए, लंक सकोट समुद्र सिखाई जात पवन सुत बार न लाई। बोले एक बात कहनी थी, लव यू सैतन बोल। तो देख सकते हैं आपने ब्लॉग में मैंने पूजा भी की, सफाई भी की। तो ये नवरात्रि का पहला दिन था, तो शायद आगे नवरात्रि के ब्लॉग ना आए। तो ब्लॉग आप देखते हो मेरे, और यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 50% लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, और 50% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दी एंड।